मिर्जापुर में एक बार फिर प्राथमिक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में लापरवाही सामने आई, जहां 1 किलो चावल और 400 ग्राम दूध में 32 बच्चों को भोजन कराया गया। इस मामले का खुलासा एमडीएम के निरीक्षण के दौरान हुआ। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल बरैनी गांव के जूनियर हाई स्कूल के विध्यांचल मंडल के मंडलीय समन्वयक एमडीएम राकेश तिवारी ने स्कूल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में कुल 32 छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जबकि 68 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। निरीक्षण के दौरान किचन में 400 ग्राम दूध का सिर्फ एक पैकेट मिला। टीम उस समय हैरान रह गई जब रसोइया ने बताया कि 400 ग्राम दूध में ही पानी मिलाकर 32 छात्रों में बांट दिया गया। इतना ही नहीं, 1 किलो चावल से 32 बच्चों को भोजन कराया गया। वहीं इस लापरवाही पर एमडीएम ने अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। नहीं हुआ था, खाना थोड़ा कम बना था, इसी के लिए उनको समझाया गया कि मास्टर साहब खाना ठीक से बनवाइए। कितना कम बना था खाना? अब देखिए, बच्चे उपस्थित थे, रसोइया चूंकि निष्ठा ट्रेनिंग में गए थे मास्टर साहब, तो रसोइया बता दी। तो हमने कहा कि इसको दादी आप आज के बाद उसको कायदे से बनाया करिए। 1 किलो चावल में बताया जा रहा है कि आपने बताया है 32 लोग बच्चों का खाना। अब चूंकि रसोइया बताई, क्या बताई, अब धो रही थी, तो अब मास्टर साहब तो ट्रेनिंग में गए थे, तो इसलिए अब उनको कहे कि दादी आज के बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो ट्रेनिंग में गए हैं, इसको आज के बाद कम न बने। दूध की मात्रा भी वहाँ पे कम थी। वो डब्बा देखिए, आप जो डब्बा आया था उसको घोर के बनाना था, और दूध जो अमूल दूध आया था, दूध खराब भी नहीं था, तो उसको उनको कितनी मात्रा थी दूध और चावल की वहाँ पे? दूध तो हम तो बता ही रहे हैं, पेपर भी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्या? आप तो पढ़े ही हैं। अरे क्या बता? और रसोइया देखिए, रसोइया बताई है, इसलिए मैंने कह रहा हूँ आपसे, और अब सुधार तो कर ही रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। आपको हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने पूरी घटना पर जांच के आदेश दे दिए और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। ये कल का प्रकरण है, 26 तारीख का। इसमें मुझे जो संज्ञान में आया है कि जो स्कूल में 32 बच्चे मौजूद थे, उपस्थित थे, उनके लिए कल खिचड़ी और दूध का दिया जाना था जैसे निर्धारित था, और खिचड़ी बनाते समय जो वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे थे जो हमारे अधिकारी हैं राकेश जी, वो जिला समन्वय भी हैं मंडलीय स्तरीय शिक्षा निदेशालय में, तो उनका कहना था कि जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उसमें खाना वो बन रहा था और लगभग 1 किलो की मात्रा चावल की यूज़ की जा रही थी 32 बच्चों के लिए, और हालांकि वो खाना बनने तक रुके नहीं हैं, और ऐसा उन्होंने संज्ञान में दिया है। तो इसके लिए हमने ABSA को बोला है, ABSA को निर्देशित करते हुए कि इसको ज़रा एक बार जाँच करा ले, बच्चों से भी पूछ ले, और वहाँ पर जो खाना बना रहे थे हेडमास्टर उनसे भी इंक्वायरी करके हमको एक रिपोर्ट दें, और साथ ही साथ हमने जो राकेश जी हैं उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है कि अगर आपको लग रहा था कि चावल कम यूज हो रहा है तो वहाँ पर रुककर उसको क्यों नहीं ठीक करवाए गए। स्कूल में मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के मिड डे मील भोजन में लंबे समय से इस तरह लापरवाही हो रही है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। फिलहाल डीएम ने जाँच के आदेश के साथ इस पूरे मामले में खुलासा करने वाले मंडलीय समन्वयक से भी स्पष्टीकरण मांगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।